आज सुबह सुबह पापडोगरा में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें 55 चाय बगान श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी कुलमा की ओर जा रही थी, उसी दौरान गाड़ी ने अपना नियंत्रण खो दिया और बीच सड़क पर जा पलटी। इस घटना के बाद काफी लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई। इस घटना के तुरंत बाद इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। घटना की सूचना बाद ही पापडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति का जायजा लिया। इस घटना में गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं इस घटना में 55 चाय बगान श्रमिक घायल हो गए। पता चला है कि इनमें से 5 श्रमिक की हालत आशंकाजनक बताई जा रही है और बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल ले जाया गया, साथ ही क्षतिग्रस्त वाहन को उद्धार कर थाने ले जाया गया। ये टी गार्डन वर्कर है यहाँ के, जो डेली का मतलब दूसरे टी गार्डन में काम करने के लिए जाते हैं ये लोग। आज सुबह की तरह ऐसे ही मतलब ड्यूटी के लिए वो लोग जा रहे थे, तो अचानक से ओवरटेक होने की वजह से गाड़ी में काफ़ी लोड थी, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे घायल हुए हैं, जहाँ तक 50 में 45% लोग जख्मी है, सबों को मेडिकल पहुँचा दिया गया है और बाकी लोग का भी कुछ है। कितने लोग सवार थे गाड़ी? लगभग 60-70 होंगे। गाड़ी में आदमी ले जाना कितना सही है? ये जा रहा था वो टी गार्डन गुलमा। ये जो गाड़ी में इतना आदमी को लेके ये तो गलत बात है, क्योंकि गाड़ी में इतना ओवरलोड जाना इतना दूर तक अच्छी बात नहीं है। एक्सीडेंट गाड़ी जून होने की वजह से भी, और इसमें लेबरों को भी गलती है, इसमें ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं करते, क्योंकि लेडीज़ लोग भी वो अपना हुड में बैठ के जाते हैं एंजॉय के साथ में। गाड़ी जून होने की वजह से भी गाड़ी अचानक से लोड होती है। आपके नाम? मेरा नाम अभय कुमार तिर्की है।